धमाके में शहदा की तादाद 59 हो गई, 157 जख्मी। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। सीसीटीवी की मदद से तहकीकात शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी लैब्स पर तहकीकाती कमेटी कायम। 27 शहदा की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। पुलिस और मिलिट्री हुकाम शरीक हुए। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिशावर के हाई सिक्योरिटी जोन में दहशतगर्दी की वारदात ने कई सवालात छोड़ दिए। दहशतगर्द किस तरह अपने टारगेट तक पहुंचा, क्यों उसे रोका ना जा सका, हसास इमारतों की मौजूदगी के बावजूद सिक्योरिटी लैब्स कहां पर पेश आया, मरकजी दरवाजे से किस तरह दाखिल हुआ, बगैर रोक टोक के मस्जिद की पहली सफ तक किस तरह पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर आमद। सिक्योरिटी इदारों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। जख्मियों की अयादत के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा भी किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये फैक्ट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए जो है वो सबको आम शहरी को भी और लाइट पोस्ट सिविल चीफ को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। हमले को सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं, मजीद थ्रेट्स मौजूद हैं। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, पेशावर पुलिस दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। निशाना पुलिस अहलकार थे, नमाजी नहीं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है, अफगान जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सवाबी में पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। लाशें नामालूम मकाम पर मुंतकिल। असलहा और दीगर सामान बरामद। पुलिस का ऑपरेशन सुबह से जारी था, अहलकार जख्मी हुआ। मुआफी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। आसिफ जरदारी का इमरान खान को लीगल नोटिस। चेयरमैन पीटीआई से बयान पर 14 दिन में गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा कि इल्जाम से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मुआफी ना मांगी तो सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला। जाए बकुआ पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ, 2 गोलियां किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले। 14 फॉल सड़क पर। 10 मुलजिम नवीद के घर के करीब से मिले। 4 गोलियां नवीद के पिस्टल से चलाई गईं। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुसरत। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि 48 घंटे में सड़क पर। हुक्मरान इलेक्शन से भाग रहे हैं लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आईन निगरान सेटअप को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आईन शिकनी का मुर्तकिब होगा, आईन में उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। विपाकी वज़रा और निगरान सेटअप की शख्सियात ऐलानिया आईन शिकनी के इशारे दे रही हैं। गवर्नर पंजाब का रवैया संजीदा नहीं, ये तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानियों का केस है। अदलिया जमहूरियत का तहफ्फुज करेगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के लिए वक्त मांगने पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि गवर्नर का नुमाइंदा आए या ना आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो यहाँ होना चाहिए था। यह अदालत की तौहीन है, किसी लॉ अफसर ने तैयारी नहीं की। का 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। अभी फिर नए सेंसेस अनाउंस्ड हैं, लेकिन अभी कहना भी कब्ज़ वक्त है। और मैं आपको फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे कार्ड्स पे नहीं। इस वक्त बिल्कुल वाजे मुल्क जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ हुआ है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, आर्टिकल 51 में पिछली दफ़ा एक आईनी तरमीम की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो अबूरी मरदमशुमारी है उसके ऊपर इंतखाबात कर लिए जाएं, क्योंकि उस वक्त तक जो पिछली सेंसस थे वो कंफर्म नहीं थे। पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? आजम नजीर तारड़ ने इंतखाबात में ताखीर का इंदिया दे दिया।
असद उमर वजीर कानून पर बरस पड़े, कहा लाखों लोगों के बेघर होते हुए और सैलाब के बावजूद मुल्क में इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए, 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो आइन शिकनी होगी। लाल हवेली के 7 यूनिट्स डी सील करने की सदा खारिज, लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने शेख रशीद की दरख्वास्त निपटा दी। मतरूका वक्फ अमला को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत, वाज़े मौके पेश न करने पर एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमला की सरजनिश। मिशन मुजाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया, ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक मिशन की क़यादत नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। तकनीकी सतह पर मुजाकरात मंगल से जुमे तक जारी रहेंगे, पॉलिसी सतह पर मुजाकरात का आगाज आइंदा पीर से होगा। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में तावन जारी है, रूस का ऐलान वज़ीरे ख़ारजा सरगई लारोफ की बिलावल भुट्टो के हमरा मॉस्को में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौकफ रखते हैं, अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रूसी हम मनसब से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई, तनाज़ियात का पुरअमन हल चाहते हैं, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताल्लुकात अहम है। मुल्की दिफा का आज़म, पाक फौज मुस्तैद है हरदम, पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 12 का आगाज, ISPR के मुताबिक तरबेला में मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी, इंसदाद दहशतगर्दी की तकनीक बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नई उड़ान डॉलर मजीद तगड़ा, पहली बार तारीखी बुलंदी पर 7 रुपए 3 पैसे महंगा, 269 रुपए 63 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर, ओपन मार्केट में 6 रुपए इजाफा 275 पर पहुंच गया, सोने की कीमत में 1500 रुपए फी तोला इजाफा, नई कीमत 2,10,005 हो गई। पहले भी वाक़ियात हो चुके हैं तो मैं गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन से अपील करता हूं कि प्लीज़ ऐसे अपने लोगों को, अपने जो बशिंदे हैं उनको रोके। स्वीडन में जो कुरान मजीद को शहीद किया गया है, ऐसे वाक़ियात वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको उन लोगों को फेल फोर गिरफ्तार किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा OIC को कि इसके लिए पक्का कोई लाए अमल कानून बनाए। की बेहरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में आवाम सड़कों पर, स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा, बरतानिया मलेशिया अफगानिस्तान बांग्लादेश स्पेन डेनमार्क स्विट्जरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। नाम वही नाम नया, मिकी आर्थर को लाने का मिशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैर मुल्की कोच के नखरे उठाने लगा, ऑनलाइन कोचिंग के मामले पर तनकीद से बचने के लिए हेड कोच का ओहदा खत्म कर दिया, 3 डायरेक्टर का नया ओहदा मुतारिफ, कामरान अकमल को जूनियर टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद पे निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।